20 सितंबर 1917 क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और ये वो 11 दिन है जिन्होंने बाबा साहेब के जीवन को बदल दिया, जिन्होंने उनके इरादे बदल दिए। ये वो 11 दिन की कहानी। उन्होंने कहा कि यदि मैं अपने समाज को इस वर्ण व्यवस्था भरी जिंदगी से, इस नरक की जिंदगी से, अगर मैं अपने समाज को आजाद नहीं करा पाया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, यानी कि अपने आप को गोली मार लूंगा। बाबा साहेब एक बरगद के पेड़ के नीचे वहां बैठे और वो वहां बैठकर इतना मतलब रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे। उनको वो जो अपमान था, जो 11 दिन उन्होंने यहाँ पर वो अपमान सहा, वो 11 दिन को भुला नहीं पा रहे थे। रोते रोते वो अपने आप से उन्होंने ये कहा कि अगर मेरे साथ इतना भेदभाव, इतना छुआछूत हो रहा है तो जो मेरा समाज जो अनपढ़ है, जो अभी जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, उसके साथ क्या क्या होता होगा। आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं शकुन बौद्ध गाजियाबाद से आज फिर से आपके सामने। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बाबा साहेब के जीवन संघर्ष से रिलेटेड कुछ मुख्य मुख्य घटनाओं पर बात कर रही हूं, क्योंकि सितंबर का महीना चल रहा है। इससे पहले भी मैं कई घटनाओं पर बात कर चुकी हूं और आज जो मैं बात करने आई हूं वो आज ही के दिन पर करने आई हूं, 23 सितंबर 1917, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और ये वो 11 दिन है जिन्होंने बाबा साहेब के जीवन को बदल दिया, जिन्होंने उनके इरादे बदल दिए। ये वो 11 दिन की कहानी। आज मैं इसी घटना पर आपसे बात करूंगी और यदि आप चाहते हैं कि ये जानकारी आपको पता चले और लोगों को भी पता चले तो आप इसको आखिर तक देखें और शेयर भी करें। तो आज ये जो घटना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है हम बहुजनों के लिए। और मैं आपसे बताना चाहूंगी कि जब बाबा साहेब जब विदेशों में पढ़ने गए तो बड़ौदा के जो राजा थे सयाजी गायकवाड़ जी, उन्होंने बाबा साहेब को विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दिया, लेकिन उसके बदले में उन्होंने कहा कि आपको वापस आने के बाद 10 साल तक आपको बड़ौदा सरकार में नौकरी करनी होगी। बाबा साहेब इस पे एग्री किए और जब वो विदेशों से पढ़कर आए, यानी कि लंदन से पढ़कर आए, तो वो पहुंचे बड़ौदा सरकार के पास और उनको वहां पर बड़ी पोस्ट पर वो तैनात हुए। तो जब वो वहां पर नौकरी कर रहे थे तो उनके साथ इतना छुआछूत हुआ, इतना छुआछूत कि इतना अपमान उनको सहना पड़ा। वहां का जो चपरासी था वो भी बाबा साहेब को फेंक फेंक कर फाइल देता था और बाबा साहेब जब उसको कहते थे कि तुझे पता है कि मैं तुझे नौकरी से भी निकाल सकता हूँ इसके लिए, तो कहता था कि आप बेशक मुझे नौकरी से निकाल दीजिए लेकिन मैं धर्म से समझौता नहीं कर सकता। और वो यही कहता था कि आप भले ही पढ़ लिख गए हो लेकिन आप हो अभी भी अछूत, अभी भी आप नीची हो। तो ऐसा वो बाबा साहेब को कहता था। बाबा साहेब को वहां रहने तक के लिए किसी ने जगह नहीं दी, उनकी कास्ट, उनकी जाति उनके सामने आती रही। और जब ये बात उन्होंने बड़ौदा के महाराज सयाजी गायकवाड़ जी के सामने कही तो उन्होंने भी ये कहा कि मैं इससे ज्यादा आपके लिए और कुछ नहीं कर सकता, बस मैं ये कर सकता हूँ कि आपको उस शर्त से जो मैंने शर्त रखी थी आपको 10 साल के लिए, उस शर्त से मैं आपको मुक्त कर सकता हूँ। तो उन्होंने बाबा साहेब से कहा कि इससे ज्यादा और मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। बाबा साहेब बहुत ही, ये घटना बाबा साहेब के जीवन में सबसे आहत करने वाली घटना थी, क्योंकि बाबा साहेब समझ नहीं पा रहे थे कि मैं इतना सूटेड बूटेड होते हुए, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद, इतने बड़े पोस्ट पर होने के बावजूद मेरे साथ इतना छुआछूत हो रहा है तो मेरे समाज के साथ क्या क्या होगा। तो जब वो उन्होंने वहां से नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया, वो वापस मुंबई लौटने
वाले थे, लेकिन उनकी ट्रेन लेट होने के वजह से उनको वहां इंतजार करना पड़ा। 4 घंटे उनकी ट्रेन लेट थी और बाबा साहेब एक बरगद के पेड़ के नीचे वहां बैठे और वो वहां बैठकर इतना मतलब रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे। उनको वो जो अपमान था, जो 11 दिन उन्होंने यहां पर वो अपमान सहा, वो 11 दिन को भुला नहीं पा रहे थे और वो बहुत ज्यादा रो रहे थे। रोते रोते वो अपने आप से उन्होंने ये कहा कि अगर मेरे साथ इतना भेदभाव, इतना छुआछूत हो रहा है, तो जो मेरा समाज जो अनपढ़ है, जो अभी जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, उसके साथ क्या क्या होता होगा। बाबा साहेब ने एक वहीं बैठे रोते रोते एक संकल्प लिया। उसको छोटा मोटा संकल्प नहीं था, वो बहुत ही महान महामानव के द्वारा लिया गया महान ही संकल्प था। उन्होंने कहा कि यदि मैं अपने समाज को इस वर्ण व्यवस्था भरी जिंदगी से, इस नरक की जिंदगी से, अगर मैं अपने समाज को आजाद नहीं करा पाया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, यानी कि अपने आप को गोली मार लूंगा, ऐसा बाबा साहेब ने कहा। और उन्होंने ये वहीं पर बैठे बैठे ये संकल्प ले लिया था कि जो वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग हम जितने भी हमारा एक बहुत बड़ा जो समाज है, बहुजन समाज के साथ जो इतना भेदभाव, जो इतना छुआछूत जो किया जा रहा है, उस वर्ण व्यवस्था को ही मैं खत्म कर दूंगा। और उन्होंने ये प्रण कर लिया था, ये संकल्प ले लिया था कि सबसे पहले अगर मेरा कोई काम होगा तो वो इस वर्ण व्यवस्था को खत्म करना होगा। और वर्ण व्यवस्था किसमें लिखी थी? मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था लिखी हुई थी। तो बाबा साहेब ने यही संकल्प किया कि वो मनुस्मृति को खाक में मिला देंगे। ये संकल्प लेकर वो बड़ोदरा से वापस मुंबई पहुंचे और उन्होंने लगातार ये प्रयास वो करते रहे कि किस तरीके से इस वर्ण व्यवस्था को खत्म किया जाए। और 25 दिसंबर का दिन आया, बाबा साहेब लगातार कंटिन्यू प्रयास कर रहे थे, सभी लोगों को बता रहे थे कि हमारा मानव का जो अधिकार है वो हमको मिलना ही चाहिए। और जिस व्यवस्था में, जिस नरक भरी जिंदगी, जिस जानवरों से बदतर जिंदगी जीने को इस मनु के विधान ने हमको मजबूर किया है, उस मनु के विधान को खत्म करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। अभी सबसे पहले उनके जीवन का यही उद्देश्य है। और वो कंटिन्यू प्रयास करते रहे और फिर वो दिन आया 25 दिसंबर 1927 का, जब बाबा साहेब ने उस मनु के विधान को जलाकर खाक कर दिया, जिसमें हम बहुजन समाज को हर अधिकार से वंचित रखा गया था, जिसमें हमको जानवरों से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर किया गया था, जिसमें इस भारत देश के मूल निवासियों को अछूत बनाकर रख दिया था। उस मनु के विधान को बाबा साहेब ने 25 दिसंबर 1927 को जला दिया। बाबा साहेब ने ये ऐसा उनका प्रयास था, ये ऐसा, क्योंकि देखिए कोई भी अभी तक जितने भी महापुरुष जन्मे या जितने भी जो हमारे समाज सुधारक जो आए, उन्होंने व्यवस्था को खत्म तो किया, लेकिन एक गंदी व्यवस्था को खत्म करके एक अच्छी व्यवस्था को देना, यानी कि अगर उन्होंने, बाबा साहेब ने एक मनु के गंदे काले कानून को अगर उन्होंने जलाया, तो उन्होंने भारत को समता, समानता, बंधुत्वता वाला एक संविधान भी दिया। उसके बदले उन्होंने एक अच्छी व्यवस्था भी इस भारत देश को दी, जिसमें सभी नागरिकों को समानता का अधिकार मिला, बंधुत्वता, प्यार का अधिकार मिला, जिसमें इस भारत देश के प्रत्येक नागरिक को, जिनको हर अधिकार से वंचित रख दिया गया था मनु के विधान में, वो सभी अधिकार बाबा साहेब ने संविधान में दिए। खासकर महिलाओं के लिए तो मनु के विधान में क्या क्या नहीं लिखा गया था,
उस मनु के विधान में महिलाओं की जो स्थिति थी उसको तो हम सोच भी नहीं सकते। अगर हम उसको सोच भी लेंगे तो हमारी रूहें कांप जाएंगी, पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। और वो केवल शूद्र महिलाओं के लिए नहीं था, वो जो मनु ने जो कानून बनाए थे वो भारत की प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक महिला, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी रिलीजन की हो, किसी भी कैटेगरी की हो, सबके लिए उन्होंने इस मनु के विधान में उनको हर अधिकार से वंचित रखा और बाबा साहेब ने उनको हर अधिकार दिया। तो ये महान संकल्प बाबा साहेब ने लिया और उसको पूरा भी किया। तो ये जो 23 सितंबर है ये हम सबके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन बाबा साहेब ने वो संकल्प लिया और उस संकल्प को पूरा किया और आज बहुजन समाज समता, समानता, बंधुता, मान सम्मान, स्वाभिमान की जिंदगी वो जी पा रहा है। वो सिर्फ बाबा साहेब की बदौलत जी पा रहा है, बाबा साहेब के संविधान की बदौलत वो आज जी पा रहा है। क्योंकि अगर मनु का विधान की बात भी अगर हम सोच लें, या आप 1925 से पहले की बात सोच लीजिए, 1927 से पहले की बात अगर हम सोच लें, तो आप समझ सकते हैं कि हम बहुजन समाज के लिए क्या क्या नहीं लिखा गया था मनु के विधान में। तो बाबा साहेब पढ़ लिख कर आए और उन्होंने हमको आजादी दिला दी, उन्होंने हमारे लिए सभी तरीके के रास्ते खोल दिए, यहाँ तक कि चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो। बाबा साहेब ने शिक्षा का अधिकार अपने संविधान आर्टिकल नंबर 46 में हमको दे दिया, और जो मनु के विधान में जो लिखा था, और इस तरह के जितने भी ये हिंदू धर्म शास्त्र हैं जिसमें भेदभाव छुआछूत जो लिखा था वो बाबा साहेब ने अपने संविधान के आर्टिकल नंबर 13 में उन सभी हिंदू धर्म शास्त्रों को शून्य कर दिया, जिनके बदौलत सभी भारत के मूल निवासियों के साथ जो भेदभाव का जो बर्ताव किया जाता था, जिन ग्रंथों के अकॉर्डिंग एक बहुत बड़े तबके को एक बहुत नरक वाली जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया गया था, उन्हीं सभी ग्रंथों को बाबा साहेब के संविधान आर्टिकल नंबर 13 में शून्य कर दिया गया। और सबसे बड़ा अधिकार जो शिक्षा का जो अधिकार है वो बाबा साहेब ने अपने आर्टिकल नंबर 46 में हमको दे दिया, जिसकी बदौलत आज हम IAS है, डॉक्टर है, PCS है, CM है, PM है, सब कुछ है, उसी शिक्षा की बदौलत जिस शिक्षा का अधिकार बाबा साहेब ने हमको अपने संविधान में दे दिया। लेकिन हमारे भारत के देशवासियों की भी एक बड़ी विडंबना है, जिन्होंने उनको तमाम वो अधिकार दिलाए उन्हीं बाबा साहेब को हमारे लोगों ने भुला दिया, उन बाबा साहेब को भूल गए जिनकी बदौलत वो आज मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी जी पा रहे हैं, जिनकी बदौलत वो आज महलों में बंगलों में रह रहे हैं, जिनकी बदौलत वो आज गाड़ियों में घूम रहे हैं, उन्हीं बाबा साहेब को भूल गए। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे ये आप खुद ही समझ लीजिए, क्योंकि बाबा साहेब से बड़ा आज तक इस दुनिया में हमारा कोई हितेशी नहीं है, उनसे बड़ा कोई हमारा जिसने हमको सब कुछ दिला दिया उनसे बड़ा कोई देने वाला इस दुनिया में कोई और नहीं है। क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं को तो हम सिर्फ दे ही दे रहे हैं, उनसे हमको मिल कुछ भी नहीं रहा, और बाबा साहेब ने तो हमसे कुछ भी नहीं लिया और हमको सब कुछ दे दिया और उन्हीं को हम भूल गए। तो ये 23 सितंबर का जो दिन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन एक महान संकल्प लिया गया और उसी के अकॉर्डिंग बाबा साहेब लगातार बहुजनों को एक एक करके सारे अधिकार दिलाते चले गए, और उनके 39 साल के संघर्ष ने उनका हर दिन का, यानी कि 1917 से शुरू हुआ उनका संघर्ष 1956 में खत्म हुआ, 1956 में खत्म हुआ, और लगभग 39 साल का जो जीवन संघर्ष है बाबा साहेब का हर दिन का, और बाबा साहेब ने इतने हजारों सालों की व्यवस्था को अपने इन्हीं 39 साल में बदल कर ऐसे से ऐसे कर दिया। तो ये बाबा साहेब का कर्म है, एक अकेले इंसान
जिन्होंने भारत के मूल निवासियों को, बहुजन समाज को, जिन्होंने बाबा साहेब ने जो बहुजन समाज को इतने तमाम वो अधिकार दे दिए जिनसे उनको वंचित रखा गया था। तो ऐसे महामानव को हम कैसे भूल सकते हैं, और जो कोई भूल जाएगा उससे बड़ा कोई नमक हराम नहीं होगा। तो ये बाबा साहेब का जीवन संघर्ष की एक घटना थी, और अपनी वाणी को विराम देती हूँ आप सभी को मेरा गर्व से। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।